इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड प्राइस पढ़ेंगे और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड होता क्या है। ठीक है, किसने ये दिया है ये थियरी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ये जो थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, केन्स का। केन्स एक इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने ये थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड दिया था, और इस इफेक्टिव डिमांड में उन्होंने फोकस डिमांड पे किया है, राइट। उनका ये भी कहना था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते थे, वो कहते थे कि इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाती है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थियरी थी, बट जो केन्स है वो कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है किसी भी इकोनॉमिक के लिए, राइट। कोई भी इकोनॉमिक में अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, राइट, बट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अकॉर्डिंग टू द केन्स, केन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। केन्स कहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो किस वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव डिमांड कम होने से। ठीक है, अगर इफेक्टिव डिमांड नहीं होगा, मतलब अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। और बहुत सिंपल बात है, क्योंकि देखो अगर डिमांड नहीं होगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो नए नए वर्कर को हायर नहीं करेंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो इस तरह केन्स कहते हैं कि अगर इफेक्टिव डिमांड नहीं है इकोनॉमिक में, तो एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होगा, राइट। और केन्स पुट फॉरवर्ड दिस थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन हिज बुक। ठीक है, ये केन्स की बुक है, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इस बुक में उन्होंने ये द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड ये बताया है सारी चीज़ें। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1936। ठीक है, तो ये डेटा याद रख लेना, एग्जाम में अगर ये डेटा लिखते हैं हम और केन्स की बुक लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। केन्सियन इन हिज बुक नॉट ओनली क्रिटिसाइज द क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मोर सिस्टमैटिक एंड रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वेरी नाइस। केन्स ने सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया है क्लासिकल थियरी को, राइट, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, बट उन्होंने उसको क्रिटिसाइज तो किया है, उसके अलावा उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में और रियलिस्टिक थियरी भी दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज किया और थियरी नहीं दी, उन्होंने ऐसी थियरी दी है जो रियल है इकोनॉमिक को लेके, राइट। केन्स ने इसे जनरल थियरी कहा है क्योंकि केन्स ने इसे जो केन्स है उन्होंने जनरल थियरी इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने थियरी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की है, राइट। उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी बात की है, इसलिए जनरल थियरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट, लेस एम्प्लॉयमेंट, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। जैसे कि मैंने बोला, उनके उनके वो कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और नॉर्मल फ्यूचर नहीं है किसी भी इकोनॉमिक का, राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल फ्यूचर है, ओके। और कहते हैं, किन्स कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो एक स्पेशल केस होता है जो कि हर इकोनॉमिक में पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन की पार्ट में आएंगी। अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड। मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड इज आइडेंटिफाइड विद द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑन कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, ऐसा डिमांड होता है अगर लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो इफेक्टिव डिमांड कहलाता है, राइट। वो डिमांड होता है, और इफेक्टिव डिमांड कैसा होता है, मतलब अगर लोग जो है जो कम्युनिटी है वो स्पेंड करेंगे, उनके कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इस पर डिपेंड करता है, राइट। टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड एंड देयर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ द इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो क्या बोला है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये जो टोटल एम्प्लॉयमेंट होता है ना कंट्री का, वो किस पर डिपेंड होता है, इफेक्टिव डिमांड पर। और बहुत सिंपल है ये कि डिमांड होगा तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में हमने बात करी, राइट। डिमांड नहीं तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए बोला है। ठीक है, तो ये जो अपना टोटल डिमांड, सॉरी टोटल एम्प्लॉयमेंट है, किस पे डिपेंड होता है, इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड होता है, ओके। तो
इसका उल्टा है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि सीधी सी बात है, अगर डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब क्या, अगर डिमांड नहीं होगा, डिमांड में कमी होगी तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब या तो हम ये बोले या फिर ये बोले, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जो है इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड है, तो अगर इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमिक में नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? द ग्रेटर द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक, ठीक है, पूरे इफेक्टिव डिमांड का मीनिंग ही यही हुआ, राइट। द ग्रेटर द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जितना ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। अभी अभी हमने देखा इफेक्टिव डिमांड मतलब क्या, जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड मार्केट में होती है, ठीक है, मार्केट में जितना ज़्यादा डिमांड होगा गुड्स का, सर्विसेज का, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया ये कैसे होता है, राइट। इन एन इकोनॉमिक इफेक्टिव डिमांड इम्प्लाइज द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन द कंजम्पशन गुड्स एंड ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स एट एनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इफेक्टिव डिमांड क्या कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक अगर देखें, अगर ऐसे जनरल देखें, तो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब तो यही होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है, राइट। डिमांड मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, डिजायर टू बाय और एबिलिटी टू पे, राइट, ये होता है। तो ये अगर हमारे पास एबिलिटी है पे करने की और हमें डिजायर भी है कि हम वो गुड्स को खरीदें, तो वो इफेक्टिव डिमांड होता है। तो मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक में डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर ही होता है, मतलब जो हम खर्च करते हैं वही डिमांड होता है, राइट। किस पे खर्च करते हैं, कंजम्पशन गुड्स पे, जो हम गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं वो, या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स पे, ठीक है, किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला है, राइट। अभी क्या बोला, इफेक्टिव डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब इफेक्टिव डिमांड क्या इंक्लूड करता है, कंजम्पशन भी इंक्लूड करता है और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, इट इज द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड विच डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंस इट रिप्रेजेंट्स टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है। और देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड थ्रू एक्सपेंडिचर्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो इफेक्टिव डिमांड है, अगर हम ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम हाई लेवल का इफेक्टिव डिमांड मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, जितना ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे कंजम्पशन पे उतना ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट, क्योंकि कंजम्पशन होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज और बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और वर्कर को हायर करना पड़ता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, राइट। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द हाई लेवल, अब एक्सपेंडिचर तो हो रहा है और डिमांड भी हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना प्रोड्यूसर को, तो ही इकोनॉमिक सॉरी आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट। इकोनॉमिक में यही होता है, डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट, ऐसे ही होता रहा, प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर लोगों के पास इनकम आएगा, क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम आएगा, फिर लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर डिमांड होगी, राइट, ऐसे होता रहा, फिर प्रोडक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें, ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो केन्स कहते हैं ये जो साइकिल है वो किस पर डिपेंड है, डिमांड पे, डिमांड नहीं तो कुछ नहीं, ओके। और इफेक्टिव डिमांड को हम कह सकते हैं जहाँ पे सब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इसलिए हमने देखा ऊपर, एट एनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या क्या होता है, मतलब कौन से पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, राइट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे वो। एग्रीगेट डिमांड प्राइस, द एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सपेक्ट, ठीक है, जितना वो एक्सपेक्ट करता है, जितना उसकी एक्सपेक्टेशन है, टू रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ आउटपुट। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या क्या होती है, जो एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है कि उसे मार्केट से इतना प्रोडक्ट सेल करने में उसको उतनी प्राइस मिलने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। एग्रीड डिमांड प्राइस क्या है, एक्सपेक्टेड है। मतलब ऐसी उम्मीद है एंटरप्रेन्योर को कि अगर वो 100 प्रोडक्ट बेचेगा तो उसे 1000 का मतलब अमाउंट इनकम मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड होता है, द एग्रीगेट डिमांड कर्व। और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो याद रखना एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होती है, जो एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है मार्केट से इनकम रिसीव करने के लिए। और वो इनकम कैसे रिसीव करेगा, जो भी वो प्रोडक्ट सेल करेगा मार्केट में, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है ये, द एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एज केन्स कॉल्स इट इज शेड्यूल्ड ऑफ द प्रोसीड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द वेरिंग अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन जो है, इनकम अमाउंट जो है प्रोडक्ट सेल करने करके जो मिलने वाली है वो भी चेंज होगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम, हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एक्स एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वाई पे क्या है एग्रीगेट डिमांड प्राइस है, ओके। तो ये जो एग्रीगेट का डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है देखो, पहले ऐसे ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट। क्यों, ये रीजन है क्योंकि डिमांड, हमारी डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, राइट। इसलिए ये जीरो से ये कर्व ना ऐसे नहीं गया है, क्यों, क्योंकि जीरो, हमारी डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती, ओके। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये देखो एग्रीगेट डिमांड पहले क्या हो रहा है कि पहले एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ना ये नीचे आएगा, राइट। देखो ये नीचे आने लगेगा, क्यों, अभी रीजन समझेंगे हम। एग्रीगेट डिमांड इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड की प्राइस है ना वो भी बढ़ रही है, राइट। देखो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पहले इतना था फिर अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, तो प्राइस भी तो बढ़ रही है, प्राइस है ना, ये प्राइस है और ये क्या है एम्प्लॉयमेंट है। फिर हम देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है प्राइस भी बढ़ रही है, इस तरह। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड की प्राइस भी बढ़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो लोगों के पास इनकम आ रही है, और जितनी ज़्यादा लोगों के पास इनकम आएगी उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, बट एक लेवल तक बढ़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसे आते जा रहे हैं तो एक टाइम आता है कि लोग वो पैसे ना सेव करने लगते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करते उस पैसे का, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर लोग बहुत ज़्यादा कमाने लग रहे हैं तो अभी अब सेव करने लगेंगे लोग, मतलब सारा का सारा पैसा अभी वो लोग कंजम्पशन पे खर्च नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या होता है डिमिनिशिंग होता है। जो डिमांड होता है ना वो हमेशा क्या होता है डिमिनिशिंग होता है, वो ना हमेशा बढ़ता नहीं रहता। अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड प्राइस टेंड टू राइज, ठीक है। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उसकी वजह से इनकम ही बढ़ती है, और इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है प्राइस भी बढ़ती है। हाउएवर व्हेन द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू स्पेंड smaller portion proportion of their income on consumption goods। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि लोग क्या करने लगते हैं, सेव करने लगते हैं, मतलब कम ही खर्चा करते हैं कंजम्पशन गुड्स पे। Thus an output and employment increases, aggregate demand price rises at a diminishing rate, ठीक है। aggregate demand जो price है वो बढ़ती है बट diminishing rate पे बढ़ती है, diminishing rate का मतलब क्या होता है एक time के बाद वो नीचे आने लगती है, मतलब कम होने लगता है। Hence the slopes of aggregate demand curve diminishes as the employment increases, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो aggregate demand है वो उसका curve है वो क्या होता है diminishing होने लगता है, ठीक है। मतलब employment बढ़ता है, employment increase होता है, फिर भी aggregate demand क्या होने लगता है कम होने लगता है, right? ये reason होता है। अभी हम पढ़ेंगे aggregate supply price क्या होता है। aggregate demand price तो आप लोग को समझा, अभी aggregate supply price क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। When The entrepreneurs employ certain amount of labor, ठीक है, they incur some cost of production। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से ही पता चलेगा कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होती क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर, मतलब जब कोई प्रोड्यूसर एक लेबर को हायर करता है, मतलब उसे एम्प्लॉयमेंट देता है, राइट। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट देता है प्रोड्यूसर लेबर को, ये प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा कि अगर प्रोड्यूसर जो है किसी लेबर को हायर करता है, वर्कर को हायर करता है, तो उसके लिए वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर को, एंटरप्रेन्योर को, उस लेबर को क्या सैलरी और वेजेस देना पड़ता है, राइट? तो वो क्या कंसिडर करता है ये, कि ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अभी क्या लिखा है? दस Each level of employment involves certain money cost of production, okay, including normal profit which the entrepreneur must recover. ठीक है, क्या है? मस्ट रिकवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट? मस्ट रिकवर। हमने जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस देखा था उसमें क्या था? एक्सपेक्टेशन थे, एक्सपेक्ट था, मतलब जो प्रोड्यूसर था वो एक्सपेक्टेशन रख रहा था ऐसा कि वो कुछ गुड्स बेचेगा या जितना भी वो गुड्स बना रहा है बेचेगा तो उसे उतना रिकवरी होगा, राइट? उतने पैसे मिलेंगे, अमाउंट मतलब मनी मिलेगी, बट वो एक्सपेक्टेशन था, डिमांड था, इसलिए वो क्या था? एक्सपेक्टेशन था किसका? प्रोड्यूसर का। बट ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, राइट? सप्लाई प्राइस में क्या होता है कि मस्ट रिकवर, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मतलब प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि ठीक है मुझे 10,000 खर्चा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 लगा है तो मुझे 9,000 मिल जाएगा, 8,000 मिल जाएगा तो चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो उसको लॉस हो जाएगा, राइट? इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है प्रोड्यूसर के लिए, मस्ट रिकवर, ठीक है? क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं तो उतना तो उसे रिकवरी करना ही है, तो ये क्या है? मस्ट रिकवर। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस, इसलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस होता है वो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, बट जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होता है वो क्या? मस्ट रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए, राइट? वो इस पे तो मस्ट नहीं कर सकता ना कि 10,000 प्रोडक्ट उसके बिकने ही चाहिए मार्केट में या इतनी ही डिमांड होनी चाहिए, वो मस्ट नहीं कर सकता, एक्सपेक्ट कर सकता है, डिमांड की बात कर रही हूँ, बट सप्लाई में क्या, वो मस्ट रिकवरी होनी चाहिए। हैंस सर्टन मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोसीड्स विल बी नेसेसरी टू इंड्यूस द एम्प्लॉयमेंट टू प्रोड्यूस एंड गिवन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो सर्टन अमाउंट तो देना ही पड़ता है प्रोड्यूसर को किसी को एम्प्लॉय करने के लिए, क्योंकि उसको वेजेस और सैलरी देने पड़ता है, तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है? और क्या लिखा है? This minimum proceeds arising from the sales of output resulting from a given amount of employment, right? And are called aggregate supply price at the amount of employment, ठीक है? तो ये जो minimum amount होता है ये कहाँ से होता है? जो भी goods and services market में ये sell करते हैं उससे जो पैसे आते हैं उसी पैसे से वो क्या करते हैं? Employment generate करते हैं। Employment generate करने का मतलब क्या होता है? Labor को job देते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय करते हैं लेबर को प्रोड्यूसर, राइट? जिसके वजह से उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कहते हैं, ठीक है? अभी हम डायग्राम देखें, तो इस डायग्राम में देखेंगे हम एक्स एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और वाई एक्सिस पे क्या है? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई, ये जो कर्व है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जीरो से, राइट? बट हमने डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का जो डायग्राम देखा था उसमें जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो यहाँ से हो रहा था, राइट? क्यों क्यों ऐसे हो रहा था? क्योंकि डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती है, बट जो प्रोडक्ट हो सकते हैं, सप्लाई हो सकते हैं, वो जीरो हो सकते हैं, हो सकता है नहीं भी सप्लाई करे, जीरो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करे वो, राइट? तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, राइट? तो हमें देख रहे हैं जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है? जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बट एक लिमिट तक, राइट? एक लिमिट तक। हमें पता ही है इकोनॉमिक हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता ही है कि सप्लाई साइड क्या होता है कि अगर प्राइस भी बढ़ती है तो प्रोडक्ट भी बढ़ता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ती है, राइट? अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना, पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई साइड में, बट डिमांड में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, राइट? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एग्रीगेट प्राइस भी बढ़ रही है, बट एक लिमिट आती है एग्रीगेट सप्लाई, इधर क्या हो जाता है, एक ऐसी लिमिट है जहाँ पे एनएफ मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट? क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है? तो ये लाइन क्या बताती है, डिनोट करती है कि ये इस लाइन का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद प्रोड्यूसर अगर आगे कुछ प्रोड्यूस भी करता है तो उसका कोई फायदा तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगी नहीं,
अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना है तो वो प्रोडक्शन क्यों करेगा? मतलब कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना है तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, सभी लोग के पास जॉब है। तो अगर और भी प्रोडक्शन करना चाहेगा तो वो कहाँ से हायर करेगा लेबर को? अंडरस्टूड? तो ये एक लिमिट है किसकी? सप्लाई साइड की, एग्रीगेट सप्लाई की। ये लाइन है क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, इन द बिगनिंग इट राइजेज स्लोली एंड देन रैपिडली, द शेप ऑफ द कर्व डिपेंड्स ऑन द टेक्निकल कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो कर्व का शेप है किस पर डिपेंड होता है? टेक्निकल कंडीशन, मतलब सप्लाई की कुछ दो तीन कंडीशन होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इफ़ वी अज्यूम दिस टेक्निकल कंडीशन एज गिवेन, अगर अज्यूम करें, कुछ अजम्पशन है, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर इन तीनों में से कुछ होता है ना तो उसके हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी चेंज होता है। फर्स्ट क्या है? अगर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर जो अगर आउटपुट इंक्रीज होगा कब? अगर लेस एफिशिएंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको सही किया जाए, जो बॉटलनेक्स है उसको सही किया जाए। ठीक है, तो इस तरह अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। और थर्ड क्या है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट अगर एन इंक्रीजिंग इन कॉस्ट कैन नॉट रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि NF क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अगर एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कॉस्ट अगर प्रोड्यूसर बेयर करता है, इंकर करता है, तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो नहीं होगी। देयर फॉर द एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिकम वर्टिकल, ठीक है, इन शेप फ्रॉम द पॉइंट जेड करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आगे कुछ भी प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तीन कंडीशन ऐसे हैं जिसके हिसाब से क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कर्व चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सॉरी डिटर्मिनेशंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड।